नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, सबकी सुरक्षा और वृद्धि के लिए सहयोगी और जिम्मेदार आसियान महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र तभी स्वावलंबी बनेगा जब हम संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य उपायों की घोषणा की। रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.89% पर पहुंची। और बिहार में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र आसियान रहा है। आज शाम 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि सबकी सुरक्षा और वृद्धि के लिए सहयोगी और जिम्मेदार आसियान महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान की साझेदारी परंपरा और भौगोलिक स्थिति से जुड़ी है। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक और इंडो पैसिफिक के बीच कई समानताएं हैं। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरिटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और आसियान पिछले कुछ वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में निकट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विवेकानंद की यह प्रतिमा उस ज्योतिर्पुंज का प्रतिबिंब है जिसने भारत में नई चेतना का संचार किया। ये सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि ये उस विचार की ऊंचाई का प्रतीक है जिसके बल पर एक सन्यासी ने पूरी दुनिया को भारत का परिचय दिया। उनके पास वेदांत का अगाध ज्ञान था, उनके पास एक विजन था। वो जानते थे कि भारत दुनिया को क्या दे सकता है। वो भारत के विश्व बंधुत्व के संदेश को लेकर दुनिया में गए। भारत के सांस्कृतिक वैभव को, विचारों को, परंपराओं को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, गौरवपूर्ण तरीके से रखा। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि इस प्रतिमा से लोगों को वैसा ही साहस और प्रेरणा प्राप्त होगी जैसा स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये प्रतिमा लोगों को करुणा का संदेश भी देगी जो स्वामी जी के दर्शन का आधार है। श्री मोदी ने यह भी आशा व्यक्त की कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार होगा जो स्वामी जी की सोच की मुख्य प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि जब सारे देश में निराशा की भावना व्याप्त थी तब स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय में कहा था कि 21वीं सदी निश्चित रूप से भारत की सदी होगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवा हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश का युवा ही दुनिया भर में ब्रांड इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे युवा भारत के कल्चर और ट्रेडिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए आपसे अपेक्षा सिर्फ भारत की पुरातन पहचान पर गर्व करने भर की ही नहीं है, बल्कि 21वीं सदी में भारत की नई पहचान गढ़ने की भी है। अतीत में हमने दुनिया को क्या दिया ये याद रखना और
ये बताना हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इसी आत्मविश्वास के बल पर हमें भविष्य पर काम करना है। श्री मोदी ने कहा कि देश स्वावलंबी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। आकाशवाणी दिल्ली से रात 9:30 बजे FM रेनबो और राजधानी चैनलों पर इस कार्यक्रम के बारे में रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानदंड सकारात्मक हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटा है और मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि PMI सूचकांक, ऊर्जा के उपभोग, GST वसूली, बैंक ऋण और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दर्शाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है। You are aware in the last 10-15 days there have been quite a few measures and steps and indicators which have shown that the recovery is happening and distinctly clearly happening. The composite purchase managers index has risen to 58.9 in October and the previous month it was at 54.6 and therefore this is the strongest increase that you've seen in output in close to 9 years. So that itself shows it is just not the pent up demand but also a strong pitch for recovery. आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारामन ने बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वर्ष 1 सितंबर से पूरे देश में एक राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इससे लगभग 69 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड इन विच Interstate portability has been achieved in 28 states and union territories. They are all under the national portability of ration cards now and from 1st September they are actually effectively on in terms of giving interstate portability. 68.6 crore beneficiaries are now lifting their food grains from any of the FPS stores of their choice in any of the 28 states or union territories. वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से किसानों के लिए 1,43,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि मंजूर की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कार्य पूंजी उपलब्ध कराई गई। अर्थव्यवस्था को गति देने के अन्य उपायों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण के क्षेत्र के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण के रूप में 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त पूंजी खर्च के लिए 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि 11 राज्यों को पूंजी व्यय के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 3,621 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के कई उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड से उबरने के दौरान रोजगार के नए अवसर बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के वास्ते आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की जा रही है। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार इस वर्ष 1 अक्टूबर के बाद नए पात्र कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष तक सब्सिडी देगी। इसे इन कर्मचारियों के आधार से जुड़े EPFO खाते में जमा किया जाएगा। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का जिक्र करते हुए श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 3 क्षेत्रों के लिए 51,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की इस योजना को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह योजना 10 प्रमुख क्षेत्रों में शुरू करने की मंजूरी दी है। इस योजना से भारतीय विनिर्माता वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ प्रमुख क्षेत्रों में निवेश आकर्षित कर सकेंगे।
इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए मौजूदा आपात ऋण गारंटी योजना की अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो प्रमुखता से शुरुआत में मध्यम सूक्ष्म लघु कुटीर उद्योग के लिए शुरू की गई थी, जहां पर 20% अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने की बात कही गई थी और उसमें कोई भी कोलेटरल नहीं देनी थी, ना ही कोई गारंटी देनी थी। भारत सरकार के गारंटी पर ये पैसा बैंकों को आगे देना था। अब इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है ताकि और लोग इसका लाभ उठा सकें। 61 लाख के लगभग कर्जा लेने वालों को 2,05,000 करोड़ रुपया इसमें सैंक्शन किया गया है और इसमें कुल मिलाकर 1,52,000 करोड़ रुपया वितरित भी किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अरे आशा दीदी, हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है, गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों से लोगों के पलायन पर रोक लगाने के लिए इन गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आज गुजरात में कच्छ जिले के धोरडो में सीमांत विकास उत्सव 2020 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि हमारी सीमाएं तभी सुरक्षित रहेंगी जब वहां रहने वाले लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। देश की पूरी भू सीमा जहां पर लगी है, सब जगह पर ऐसे सीमांत विकासोत्सव करने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निर्णय है और आगे पर प्रधानमंत्री जी स्वयं जाने वाले। इस विकास उत्सव का उद्देश्य है सीमावर्ती गांवों में हमारे जो नागरिक रहते हैं उनको इतनी ही सुविधा मिले जितनी अहमदाबाद, दिल्ली और मुंबई के नागरिकों को मिलती है। सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में कई स्थानों पर सीमांत विकास उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है ताकि वहां के लोगों के साथ विकास के बारे में संवाद कायम हो। इस सिलसिले में कच्छ की सुदूर सीमा पर स्थित धोरडो गांव में आयोजित ये पहला कार्यक्रम है। श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती गांवों में नरेंद्र मोदी सरकार के तहत पिछले 6 वर्षों में बुनियादी ढांचे का जो विकास हुआ है वह इससे पहले के 50 वर्षों में हुए विकास कार्यों से कहीं ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किए बिना देश विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों से लोगों के दूसरी जगह जाकर बसने का सिलसिला रोकने के लिए भी वहां बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। श्री शाह ने घोषणा की कि सीमावर्ती गांवों के लोगों को बीएसएफ के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के जरिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में गांवों को अभूतपूर्व विकास निधि उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि सीमावर्ती कच्छ जिले में 30,000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। इस कार्यक्रम में कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिलों के 158 सीमावर्ती गांवों के 1,500 से अधिक सरपंचों और पंचायत सदस्यों ने हिस्सा लिया और अपने अनुभवों तथा विकास की आकांक्षाओं के बारे में जानकारी दी। स्थानीय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान के प्रति बड़े उत्सुक नजर आए। उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प और हस्तकला के व्यापार को बढ़ाने के लिए और अधिक धन आवंटित किए जाने की भी मांग की। गृहमंत्री ने कच्छ, बनासकांठा और पाटन जिलों में पूरे किए गए और चल रहे निर्माण कार्यों को दिखाने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, सबकी सुरक्षा और वृद्धि के लिए सहयोगी और जिम्मेदार आसियान महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र तभी स्वावलंबी बनेगा जब हम अपने संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य उपायों की घोषणा की, रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरूआत की।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.89% पर पहुंची और बिहार में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। देश में कोविड 19 से स्वस्थ होने की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 52,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। देश में संक्रमण की दर 5.63% है। इस समय 4,89,000 मरीज इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 47,905 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 86,00,000 से अधिक हो गई है। नए संक्रमित लोगों में से 78% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है। दिल्ली में संक्रमण तेजी से बढ़ा है और यहां 8,593 लोग संक्रमित हुए। केरल में भी लगभग 7,000 और महाराष्ट्र में 4,907 लोग संक्रमित हुए। सरकार की जांच, निगरानी और उपचार की प्रभावी रणनीति के कारण देश में स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। देश में संक्रमण से मृत्यु दर 1.48% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 550 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,28,121 हो गई है। हाल में हुई मौतों में से 80% 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। महाराष्ट्र में 125 मौतों के साथ ये 22.7% है, जबकि दिल्ली में 85 लोगों की मृत्यु हुई है और पश्चिम बंगाल में 49 लोग हाल ही में इस संक्रमण का शिकार हुए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 11,93,000 जांच की गई। देश में अब तक 12,19,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। केरल में कोविड से और अधिक रोगियों के ठीक होने की खबर है। राज्य में जहां कोरोना के 5,537 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 6,119 लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। केरल में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 77,813 रह गए हैं। इस बीच हाल ही में 25 लोगों की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद राज्य में मृतकों की संख्या 1,796 हो गई है। कोविड 19 से बचने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से जीवन शैली और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के संबंध में बातचीत की। डॉ रंजन ने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की। इम्यूनिटी को एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखना चाहिए। संतुलित भोजन के रूप में करना होगा, नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतें जैसे कि सिगरेट, शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा। और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें कि एक दिन, दो दिन, चार दिन, पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, वो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आप को दूर रखें। इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन, दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर है 0112331444। इस पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
बिहार में नई सरकार के गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद एनडीए की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि जनता ने एनडीए के पक्ष में जनादेश दिया है और वहीं राज्य में सरकार का गठन करेगी। आज शाम पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह दिवाली या छठ के बाद होगा, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। श्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि चारों पार्टियां जेडीयू, भाजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी कल पटना में बैठक करेंगे, जिसमें एनडीए के नेता के बारे में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सरकार गठन के हर पहलू पर विचार किया जाएगा। इससे पहले आज दोपहर बाद श्री नीतीश कुमार ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक की। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के विधायकों की बैठक भी पटना में राबड़ी देवी के आवास पर हो रही है, जिसमें विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बारे में विचार विमर्श चल रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने भी पटना में पार्टी मुख्यालय में विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने बिहार में पार्टी नेतृत्व बदलने की मांग की। उधर मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने नवनिर्वाचित 243 सदस्यों की सूची राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दी है। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। केरल में राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए आज आधिकारिक सूचना जारी कर दी। यहां तीन चरणों में 8, 10 और 14 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। उधर अरुणाचल प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत और शहरी निकायों के लिए चुनाव कराए जाने की आज घोषणा की। आयोग ने बताया है कि 24 नवंबर को इसकी सूचना जारी की जाएगी, 2 दिसंबर को नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 7 दिसंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 22 दिसंबर को मतदान और 26 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। ईटानगर और पासीघाट पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के चुनाव एक ही चरण में पूरे किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता आज से राज्य में लागू हो गई। लोक प्रसारण दिवस आज मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में महात्मा गांधी के नई दिल्ली के आकाशवाणी स्टूडियो में आने की याद में यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को यहां से संबोधित किया था, जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रह रहे थे। आकाशवाणी के जाने माने तेलुगु समाचार वाचक येडेडा गोपाल राव का आज सवेरे हैदराबाद में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। उन्होंने 3 दशक से अधिक समय तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की तेलुगु भाषा इकाई में सेवाएं दी। वे कुछ समय के लिए इस इकाई के प्रमुख भी रहे। वे रंगमंच से भी जुड़े थे और महात्मा गांधी की एक भूमिका में उनकी अदाकारी की काफी सराहना हुई थी। बड़ोदरा स्थित राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान एनआरटीआई ने 7 नए पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें स्नातक स्तर के 2 बीटेक पाठ्यक्रम और 2 एमबीए पाठ्यक्रम, 3 एमएससी स्तर के व्यवहारिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। बीटेक स्तर के पाठ्यक्रम रेलवे के बुनियादी ढांचे, रेल प्रणाली और संचार इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, जबकि एमबीए पाठ्यक्रम परिवहन और सप्लाई चेन के बारे में है। एमएससी पाठ्यक्रम प्रणाली इंजीनियरिंग और समन्वय, प्रणाली एनालिटिक्स और नीति तथा अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बीके यादव ने कहा कि एनआरटीआई ने परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान को लेकर अंतर्विषयक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान विभिन्न पृष्ठभूमि वाले अकादमिक विद्वानों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एक मंच पर ला रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान की अकादमिक और औद्योगिक भागीदारी तथा सहयोग को सुदृढ़ करने की भी योजना है। भारतीय नौसेना की ताकत को और मजबूती देते हुए आज मुंबई की मझगांव गोदी से स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का जलावतरण किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पनडुब्बी को समुद्र में उतारा। इस अवसर पर पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल आरबी पंडित ने कहा कि ये पनडुब्बी 1 साल में पूरी तरह से कार्य करने लगेगी। उन्होंने कहा कि नौसेना में कलवरी श्रेणी की 2 पनडुब्बियां पहले ही कार्य कर रही हैं। वागीर भारत में बनाई जा रही कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में से एक है। इसका डिजाइन फ्रांसीसी कंपनी डीसीएनएस ने किया है, जो भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के लिए इनका निर्माण कर रही है। आईएनएस कलवरी
स्क्वाड्रन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों में से एक है जिसका जलावतरण 2017 में किया गया। इसके बाद खंडेरी, करंज और वेला पनडुब्बियों को भी नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये पनडुब्बियां समुद्री सतह और पानी के भीतर कार्रवाई करने के साथ साथ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, बारूदी सुरंग बिछाने और टोह लेने जैसे कार्य करने में सक्षम है। भारतीय डाक भुगतान बैंक ने डाकिये के माध्यम से डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा घर पर देने की पहल की सफलतापूर्वक शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में जीवन प्रमाण पोर्टल के जरिए जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा का शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आसान और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक 1,36,000 से अधिक स्थानों पर स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक उपकरणों से लैस 1,89,000 पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवाओं के जरिए घर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। पेंशन भोगी इस सेवा का लाभ उठाने के लिए विस्तृत जानकारी ipp.bonline.com पर प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 10,000 रूपये त्योहार अग्रिम के रूप में देने की घोषणा की है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार इस अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और दीपावली के अवसर पर राज्य सरकार के करीब 5,00,000 कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अग्रिम राशि रूपे कार्ड के रूप में दी जाएगी ताकि कर्मचारियों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिले। राज्य सरकार अग्रिम राशि की वसूली 10 बराबर किस्तों में बिना कोई ब्याज के करेगी। सुरक्षित दिवाली पर अपनी श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे दिवाली पर ध्वनि प्रदूषण के बारे में। पटाखों की तेज आवाज से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे सुनने की क्षमता स्थायी रूप से खत्म भी हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण से हाइपरटेंशन और अनिद्रा जैसी कई परेशानियां हो सकती हैं। लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि दिवाली के दौरान ध्वनि प्रदूषण न हो। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 236 अंक घटकर 43,357 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंक कम होकर 12,691 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 27 पैसे कमजोर होकर ₹74.65 पर आ गया। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $43.60 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री स्टेफ ब्लोक से बातचीत की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति और आर्थिक सुधार पर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों और वैश्विक घटनाक्रमों की समीक्षा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि बिहार अब रामसर स्थलों के नक्शे में शामिल हो गया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि बेगूसराय में कबरतल स्थित राज्य का पहला रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्र भूमि स्थल बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मध्य एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक आकर्षक शरणस्थली और जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इसे मिलाकर भारत में अब 39 रामसर स्थल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। दौरे की शुरुआत 27 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के साथ होगी। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे और इतने ही 2020 और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा, सबकी सुरक्षा और वृद्धि के लिए सहयोगी और जिम्मेदार आसियान महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्र तभी स्वावलंबी बनेगा जब हम संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य उपायों की घोषणा की। रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पलायन रोकने के लिए सीमावर्ती गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.89% पर पहुंची। और बिहार में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।